हाय, दिस इज मनोज शर्मा। तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्शंस, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरसेप्ट वैल्यू एंड टाइम वैल्यू कैलकुलेशन। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना। एनएसई इंडिया का वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने टाइप किया निफ्टी, निफ्टी पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का रेट आ गया, ठीक है। निफ्टी क्या है? इट्स अ ट्रेडेबल इंडेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स, ठीक है। तो निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि 50 स्टॉक का कॉम्बिनेशन करके बना हुआ है, एंड इट्स अ ट्रेडेबल इंडेक्स, यानी एक्चुअली लोग रियल में उसमें ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन चेन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, ऐसा स्क्रीन ओपन हो गया। स्ट्राइक प्राइस, कॉल्स एंड पुट्स आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। एंड करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 11834। 11:34 अगर मैं बात करूँ तो 11:34 है इसके आसपास क्लोज पे, ये स्ट्राइक के एकदम क्लोज, ठीक है। 11850 के क्लोज है 11834। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये कॉल है और ये पुट है। क्या हो रहा है ये स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग मैचेस में बैटिंग करते हैं, धोनी 50 बनाएगा, एक बैटिंग हो गया। धोनी 50 नहीं बनाएगा, एक और बैटिंग। जैसे आप हॉर्स रेसिंग में बैटिंग करते हो कि ये घोड़ा जीत भी सकता है, हार भी सकता है। सो ईच एंड एवरी हॉर्स पे दो तरह का बैटिंग होता है, घोड़ा जीतेगा रेस और घोड़ा नहीं जीतेगा रेस। मैच में भी सेम दो तरह का ही बैटिंग होता है, धोनी 50 मारेगा या धोनी 50 नहीं मारेगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शंस इज ऑल्सो बैटिंग गेम, ठीक है। इट्स अ प्योर बैटिंग गेम, और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बैटिंग कर रहे हैं। ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस पे दो तरह की बैटिंग होती है, अब ध्यान से सुनो। ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस पे दो तरह की बैटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 12,000, 12,000 के कॉल में यहाँ पर आपको कुछ ओपन ट्रस्ट दिख रहा होगा। तो ओपन ट्रस्ट क्या हो रहा है? बैटिंग हो रहा है। बैटिंग क्या हो रहा है? कुछ लोग बैटिंग कर रहे हैं 12,000 लेवल आएगा, कुछ लोग बैटिंग कर रहे हैं 12,000 लेवल नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो रही है? बैटिंग हो रही है। अब अगर 12,000 लेवल आता है तो जिन लोगों ने बैटिंग किया था 12,000 लेवल आएगा उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 12,000 लेवल आया तो जिन लोगों ने बैटिंग किया था कि 12,000 लेवल नहीं आएगा उन लोगों को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सब प्योर एंड प्योर बैटिंग गेम। अब इसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ एक्सेल शीट दिख रहा होगा, इसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अभी CMP चल रहा है 11834, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मार्केट 11,900 के ऊपर जाएगा, 11,900 के ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? 11,900 का क्या करूँगा? कॉल जाके बाई करूँगा, ठीक है। जब मैं कॉल बाई करता हूँ तो क्या होता है? रिस्क होता है लिमिटेड, रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड, एंड यू हैव टू पे ओनली ऑप्शन प्रीमियम। अब प्रीमियम कहाँ से मिलेगा हमें? ऐसी वेबसाइट पे जाना है। 11,900 कहाँ पर है? ये रहा 11,900, उसका प्रीमियम प्राइस यहाँ पर, ये LTP कॉलम आपको देखना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। 11,900 का प्राइस चल रहा है 88.50। तो हम लोगों ने कॉल खरीदा 88.50 में मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 7,000 के आसपास। अभी हम लोगों ने 7,000 रुपये की शर्त लगाई है मार्केट से कि निफ्टी 11,900 लेवल आएगा, ठीक है। 11,900 लेवल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अभी फिलहाल चल रहा है 11,834, और हम लोग क्या बैटिंग कर रहे हैं? 11,900 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 11,900 के ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेट अस अज्यूम एक्सपायरी होती है 11,870 में। हमने क्या बैटिंग किया था? 11,900 के ऊपर जाएगा। एक्सपायरी कहाँ पे हुआ? 11,870 में। हम हमारे बैटिंग में राइट है या रॉन्ग है? हम हमारे बैटिंग में रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा? 88 रुपीज का लॉस होगा, 7,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 7,000 से ज़्यादा लॉस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब भी हम लोग शर्त हारते हैं, जितने रुपए की शर्त लगाई उससे ज़्यादा कभी हार नहीं सकते। सो हम लोगों ने शर्त कितने लगाई थी? बैटिंग कितने अमाउंट का किया था? 7,000 रुपये का, करेक्ट। सो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 7,000। यहाँ तक क्लियर है? लेट अस अज्यूम निफ्टी हो गया 12,200, ठीक है, 12,200 हो गया। हम लोगों ने बैटिंग किया था कि 11,900 के ऊपर जाएगा, 12,200 हो गया, 300 पॉइंट ऊपर चला गया। सो 300 पॉइंट में राइट हूँ, माइनस 88 जो कि हमारा कॉल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सो 300 माइनस 88 करो, आता है वैल्यू 212 रुपये। 212 मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, जो कि निफ्टी का लॉट साइज है। सो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 15,000, 15,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके मुझे कितना प्रॉफिट हुआ?
15,000 यानी 200% रिटर्न मुझे आ जाएगा अगर निफ्टी 12,200 का लेवल टच करता है। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो बोलते हैं बाय कॉल ट्रेडिंग। कॉल हम लोग कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से प्राइसेस कहाँ जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है, 11,850 ऊपर की तरफ जाने वाला है, तभी हम लोग क्या बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं। आई होप आपको कॉल का एग्जांपल समझ में आया होगा। आपको क्या एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमें ऊपर की तरफ लगता है मार्केट तो हम लोग कॉल बाइंग करते हैं, वैसे ही कुछ लोग रिवर्स बेटिंग भी करते हैं। लेट से निफ्टी चल रहा है 11,834 और मुझे लगता है कि 11,700 के नीचे जाएगा, तो मुझे क्या लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, राइट, तो बेरिश भी हुआ मेरा, तो मैं क्या करूँगा, जाके पुट बाई करूँगा 11,700 का, पुट ऑप्शन बाई करूँगा 11,700 का पुट। अब यहाँ पर प्राइसेस देखते हैं 11,700 ये रहा, उनका प्राइसेस और राइट हैंड साइड में कितना दिख रहा है आपको, 74 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैं पुट बाइंग करूंगा, 74 रुपीज़ में मैंने बाई किया मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, बेटिंग अमाउंट हुआ 6,000 के आसपास। तो 6,000 रुपये की मार्केट से मैंने शर्त लगाई है कि निफ्टी जो है अभी 11,834 चल रहा है, 11,700 के नीचे जा सकता है, ये मैंने मार्केट से शर्त लगाई है। कितने रुपये की शर्त लगाई है, 6,000 रुपये की, ठीक है। अब निफ्टी 11,700 के नीचे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब 11,750 पे लेट से एक्सपायरी होता है, 11,750 पे अगर एक्सपायरी हुआ, तो हमारा बेटिंग था 11,700 के नीचे जाएगा और एक्सपायरी हुआ 11,750 पे, तो हम हमारे बेटिंग में क्या हुए, रॉन्ग हुए, तो 74 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी 6,000 रुपये का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 6,000 से ज़्यादा लॉस हो सकता है, आंसर इज नो, 6,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि वेन एवर यू लूज अ बैट यू कॉन्ट लूज मोर देन योर बैटिंग अमाउंट, मतलब जितने रुपए की शर्त लगाई है उससे ज़्यादा हम लोग कभी हार ही नहीं सकते, करेक्ट। तो 6,000 रुपये से ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता, इसीलिए जब हम लोग पुट बाइंग करते हैं तो रिस्क होता है लिमिटेड, रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड। अब रिवॉर्ड अनलिमिटेड कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से निफ्टी हो गया यहाँ से 11,200, हमारा बेटिंग था कि 11,700 के नीचे जाएगा, निफ्टी कितना हुआ 11,200, हम हमारी बेटिंग में कितना पॉइंट राइट है, 500 पॉइंट राइट है, ठीक है, 500 पॉइंट राइट है माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ द पुट, यानी 500 माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था पुट हम लोगों ने, 74 में, तो 500 माइनस 74 करूँगा तो आंसर आता है कितना, 426 मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी मुझे अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट आएगा 30,000 के आसपास ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके मुझे कितना मिलेगा, 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं 500 पॉइंट राइट हूँ मेरे व्यू में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अनलिमिटेड रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि अनलिमिटेड प्रॉफिट आते रहेगा, अनलिमिटेड रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे मैंने 30,000 रुपीज़ कमाया, करेक्ट। तो कितना रुपया रिस्क लेकर आप कितना रुपया कमा रहे हो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड रिवॉर्ड। तो जब हम लोग पुट बाइंग करेंगे तो रिस्क होगा लिमिटेड, रिवॉर्ड होगा अनलिमिटेड, यानी आपको पे ओनली ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम का मतलब 74 रुपीज में मैंने पुट खरीदा मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी 6,000 रुपये जो मैं पे कर रहा हूँ उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो ये जो आप रेट्स देख रहे हो उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, और ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। 11,700 के स्ट्राइक प्राइस पे मैंने बेटिंग किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बेटिंग किया, 11,700 के नीचे जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर लेवल पे बेटिंग कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। हमारे जैसे कई लोग बेटिंग कर रहे होंगे कि 11,700 के नीचे जाएगा, जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में जिनको ये लग रहा है कि 11,700 के नीचे जाएगा, वो ये पर्टिकुलर लेवल पे आके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब, स्ट्राइक प्राइस का मतलब जिस लेवल पे हमें बेटिंग करनी है उस लेवल को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मैंने आपको समझाया था कि मैचेस में कैसे बैटिंग होती है, धोनी 50 मारेगा एक बैटिंग, धोनी 50 नहीं मारेगा एक और बैटिंग, ठीक है। यानी एक ही लेवल पे दो तरह की बैटिंग होती है, अब ध्यान से समझना। कुछ लोग मार्केट में हैं जो ये बैटिंग कर रहे हैं कि 11,900 के ऊपर निफ्टी जाएगा, कुछ लोग मार्केट में हैं जो ये भी बैटिंग कर रहे होंगे कि 11,900 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा ये मैं बोल रहा हूँ तो क्या व्यू हो जाता है, नॉट बुलिश। आपको याद होगा लास्ट वीडियो, बाय कॉल करते हैं तो व्यू होता है बुलिश,
सेल कॉल किया तो व्यू होता है नॉट बुलिश, ठीक है, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, बाय कॉल के बदले एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रेड लिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। 11,900 का कॉल अभी चल रहा है 88 मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी मैंने 7,000 रुपए की शर्त लगाई है मार्केट से कि मार्केट 11,900 के ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अगर 11,900 के नीचे ही रहता है तो मुझे 7,000 रुपए पूरा प्रॉफिट मिलेगा, यस करेक्ट, और 11,900 के ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे अनलिमिटेड लॉस होते रहे। तो जो सेलर का अनलिमिटेड लॉस है वो बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जितना सेलर लॉस करेगा उतना ज्यादा बायर को प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 11,900 के नीचे रहा तो बायर को क्या होगा, बाय कॉल करने वाले को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और सेल कॉल करने वाले को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। फाइव आपको समझ में आया होगा। अब सेल पुट भी वैसे ही समझते हैं हम लोग, जैसे कुछ लोग बेटिंग कर रहे हैं कि मार्केट 11,700 के नीचे जाएगा, वैसे ही कुछ लोग भी बेटिंग कर रहे होंगे मार्केट में कि 11,700 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 11,700 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या बेटिंग करेंगे, जाके पुट सेल करेंगे। तो हमारा व्यू क्या हुआ, हमारा व्यू हुआ नॉट बेरिश। अगर आपको लास्ट वीडियो याद है, बाय पुट किया तो व्यू होता है बेरिश, सेल पुट किया तो व्यू होता है नॉट बेरिश। नॉट बेरिश का मतलब होता है मेरा ये बेटिंग है कि निफ्टी नीचे नहीं जाएगा। अब मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रेड ले रहा हूँ, पुट बाय किया तो रिस्क होता है लिमिटेड, रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड। सो पुट सेल करूंगा अगर मैं तो रिस्क होगा अनलिमिटेड, रिवॉर्ड होगा लिमिटेड। अब लेट अस अज्यूम हमें लगता है कि 11,700 के नीचे नहीं जाएगा, 11,700 का पुट का रेट चल रहा है 74 मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज। तो मैंने मार्केट से 6,000 रुपए की शर्त लगाई है कि निफ्टी जो है वो 11,700 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया है, मार्केट से बेटिंग किया है, शर्त लगाई है, ठीक है। अब जो निफ्टी है वो 11,700 के नीचे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेट अस अज्यूम निफ्टी जो है वो 11,840 पे एक्सपायर हुआ, हमारा बेटिंग था 11,700 के नीचे नहीं जाएगा, 11,840 पे एक्सपायर हुआ है, मतलब हम हमारे बेटिंग में क्या हुए, राइट हुए, तो पूरा का पूरा 6,000 रुपये हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा, 6,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर निफ्टी 11,700 के नीचे जाने लगा, जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा अनलिमिटेड लॉस होता रहेगा, ठीक है। आपको याद होगा बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था 11,200 पे, तो वैसे ही सेलर को अनलिमिटेड लॉस होगा। अनलिमिटेड लॉस का मतलब अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है, अनलिमिटेड लॉस का मतलब क्या होता है, मैंने 6,000 रुपये कमाने के लालच में 25,000 का लॉस कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लॉस। 11,200 अगर हुआ तो मुझे बड़ा लॉस होगा, ठीक है, और मुझे कमाने के लिए रिवॉर्ड कितना था, लिमिटेड था, 6,000 रुपये ही था। मैंने 6,000 रुपये कमाने के लालच में 25,000 का अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो उसको अनलिमिटेड लॉस बोला जाता है, ठीक है। फाइव आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग ये टॉपिक समझते हैं, यू हैव टू बी मार्जिन एज पर फ्यूचर। ध्यान से सुनना, सेल कॉल करने वाले को और सेल पुट करने वाले को रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब अगर क्लाइंट को अनलिमिटेड रिस्क है तो ब्रोकर को अनलिमिटेड रिस्क है, ब्रोकर को अनलिमिटेड रिस्क है तो एक्सचेंज को अनलिमिटेड रिस्क है। एक्सचेंज को अनलिमिटेड रिस्क है इसीलिए एक्सचेंज ने एक रूल निकाला है, वो ये रूल है, आप कोई भी कॉल सेल करते हो या कोई भी पुट सेल करते हो, फ्यूचर में जो मार्जिन लग रहा है वो सेम मार्जिन आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में अगर फ्यूचर का मार्जिन लेट से 80,000 रुपये है, निफ्टी का अगर आपको ये कॉल सेल करोगे तो भी आपको 80,000 रुपीज़ मार्जिन पे करना पड़ेगा, अगर आपने निफ्टी का एक पुट सेल किया तो भी आपको 80,000 रुपीज़ मार्जिन पे करना पड़ेगा। मार्जिन क्यों पे करना पड़ता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट अस एग्जांपल, हम लोग घर रेंट पे देते हैं तो हम लोग सामने वाले से रेंट तो लेते हैं लेकिन हम लोग सामने वाले से एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्या सोच के लेते हैं कि अगर उसने रेंट पे नहीं किया तो मैं कहाँ से काट लूँगा, डिपॉजिट से काट लूँगा। एक्सचेंज आपसे क्या कर रहा है, पहले आपसे मार्जिन ले रहा है एडवांस में, क्यों ले रहा है, क्योंकि आपके ट्रेड में अनलिमिटेड लॉस है। लेट से कुछ बड़ा लॉस हुआ और आपने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है लॉस पे करने के लिए, एक्सचेंज कहाँ से वो लॉस कवर करेगा, आपने जो इनिशियल मार्जिन दिया था ट्रेड लेने के लिए उसमें से कट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। सो सेल कॉल सेल पुट करने वाले को रिस्क अनलिमिटेड होता है, इसीलिए सेल कॉल सेल पुट करने वाले को मार्जिन पे करना पड़ता है एज पर फ्यूचर। लेकिन अगर आप बाय कॉल कर रहे हो या बाय पुट कर रहे हो तो आपको मार्जिन पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका लिमिटेड रिस्क है और वो रिस्क आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, यानी ऑप्शन प्रीमियम से ज्यादा आपको लॉस हो नहीं सकता और वो आप ऑलरेडी पे कर रहे हो जब आप
ऑप्शन बाई कर रहे हो, करेक्ट। सो रिस्क क्या हो जाता है, लिमिटेड। इसलिए एक्सचेंज आपसे मार्जिन नहीं लेता। जब आप बाई कॉल या बाई पुट करते हो तो एक्सचेंज आपसे मार्जिन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो मैक्सिमम रिस्क है ट्रेड में वो ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सेल कॉल सेल पुट अगर आप कर रहे हो तो मार्जिन पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि आपके ट्रेड में अनलिमिटेड लॉस है। जब आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ करोगे सेल कॉल सेल पुट वाला, तो मार्जिन जो आपने पे किया था वो रिफंड हो जाता है, ठीक है। इट्स अ रिफंडेबल मार्जिन, ठीक है। तो आपने जो मार्जिन पे किया है जब आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे, मार्जिन आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक लेजर का एग्जाम्पल भी देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो हम लोग लेजर के साथ एग्जाम्पल समझते हैं। लेट अस अज्यूम मिस्टर ए ने कॉल बाय किया है 11,900 का, मिस्टर बी ने कॉल सेल किया है 11,900 का। दो अलग अलग ट्रेडर है, एक ने 11,900 का कॉल बाई किया है, एक ने 11,900 का कॉल सेल किया है। तो उनके लेजर अकाउंट में कैसे एंट्रीज आएगा, चाहे आप बाई करो चाहे सेल करो, कॉल का प्राइस सेम है 88। कॉल का प्राइस आप देख सकते हो 88 है। सो कॉल का प्राइस वही रहेगा चाहे आप बाई करो चाहे सेल करो। 88 में मिस्टर ए ने बाई किया, मिस्टर बी ने 88 में सेल किया। जब आप कॉल बाई कर रहे हो 88 में, मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, 6,600 रुपये हुए। बेटिंग का सबसे पहला रूल क्या है, बेटिंग अमाउंट आपको सबसे पहले पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बेटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके अकाउंट में 6,600 रुपये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्यों डेबिट हो जाएंगे? क्योंकि ये आपका बेटिंग अमाउंट है, ये आपको पे करना है, ठीक है। तो आपने बेटिंग किया कि 11,900 के ऊपर निफ्टी जाएगा, ठीक है, 6,600 रुपये पे करके। 6,600 रुपये की आपने मार्केट से शर्त लगाई है, बेटिंग की है कि निफ्टी 11,900 के ऊपर जाएगा। निफ्टी अभी चल रहा है 11,834, ठीक है। निफ्टी 11,900 के ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेट अस अज्यूम निफ्टी अगर नहीं जाता है तो आपके अकाउंट में 0 रुपीज क्रेडिट आएगा और पूरा का पूरा 6,600 रुपये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेट अस अज्यूम निफ्टी 11,900 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो आपके अकाउंट में 6,600 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्रेडिट आएगा आपके अकाउंट में 0 रुपीज, क्योंकि आप अपने बेटिंग में क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो 6,600 का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेट अस अज्यूम निफ्टी हो गया यहाँ से 12,100, तो आप कितना पॉइंट राइट हुए, 11,900 के ऊपर आपने बेटिंग किया था, करेक्ट, 11,900 के ऊपर जाएगा। निफ्टी हो गया 12,100, यानी आप 200 पॉइंट राइट हो मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना आएगा, 15,000 रुपीज क्या हो जाएगा, क्रेडिट आएगा। 15,000 क्रेडिट हुआ, 6,600 डेबिट हुआ, तो नेट ऑफ में क्या हुआ, 8,400 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम हमारे बेटिंग में क्या हुए, राइट हुए, ठीक है। सो बायर्स के लेजर में ऐसे एंट्री होता है, सेलर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लेजर एंट्री होगा वो हम लोग समझते हैं। सो बायर जब कॉल बाई करता है तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, सेलर जब कॉल सेल करता है तो उसको प्रीमियम क्या होता है, रिसीव होता है, मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री आएगा 6,600 रुपये क्रेडिट सेलर के अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली आपके अकाउंट में नेक्स्ट एंट्री होगा 90,000 रुपीज डेबिट। किस बात का डेबिट होगा, मार्जिन, क्योंकि आपने सेल कॉल किया है, अनलिमिटेड लॉस है, करेक्ट, एक्सचेंज आपसे मार्जिन लेगा, तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में 90,000 रुपीज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एज अ मार्जिन। अब आपने क्या बेटिंग किया है कि 11,900 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम मार्केट हो गया 12,100, तो आप अपने बेटिंग में कितना पॉइंट रहोगे, 200 पॉइंट रहोगे मल्टीप्लाई बाय 75 लॉट साइज, यानी नेक्स्ट एंट्री होगा 15,000 रुपये डेबिट। क्यों होगा 15,000 रुपये डेबिट, क्योंकि आप 200 पॉइंट क्या हुए, रॉन्ग हुए, ठीक है। अब आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में मैंने क्या बोला था, मार्जिन क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो 90,000 रुपीज आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 90,000 डेबिट हुआ, 90,000 क्रेडिट हुआ, ये तो मार्जिन था, मार्जिन जो आपने भरा था ट्रेड लेने के लिए वो डेबिट हुआ, और मार्जिन जब पोजिशन आपने स्क्वायर ऑफ किया तो रिलीज हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। 6,600 रुपये आपको रिसीव हुआ था जब आपने कॉल सेल किया था, लेकिन आप 200 पॉइंट रॉन्ग हो तो 15,000 रुपये डेबिट हो गया, ठीक है। सो नेट ऑफ में क्या हुआ, 8,400 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि मिस्टर बी जो है वो अपने बेटिंग में क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, 11,900 के ऊपर नहीं जाएगा ये बेटिंग किया था, और मार्केट 12,100 हो गया, और ऊपर जाता तो और लॉस होता, और लॉस हो सकता था, अनलिमिटेड लॉस हो सकता था। तो यहाँ पर नेट ऑफ में क्या हो गया, 8,400 का लॉस हो गया। 8,400 का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मिस्टर बी जो है वो अपने बेटिंग में क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। उनका बेटिंग था 11,900 के ऊपर नहीं जाएगा, और निफ्टी हुआ 12,100, तो
ये अपने बेटिंग में क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, इसीलिए इनको क्या हुआ, लॉस हुआ। और निफ्टी ऊपर जाता तो और लॉस हो सकता था, आंसर इज यस, अगर और निफ्टी ऊपर जाता तो और लॉस हो सकता। इस तरीके से सेल कॉल करने वाले को, सेल पुट करने वाले को क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। प्रॉफिट कैसे मिलता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब लेट अस अज्यूम निफ्टी जो है वो 11,700 पे एक्सपायर हुआ, मिस्टर बी का बेटिंग था 11,900 के ऊपर नहीं जाएगा, 11,900 के ऊपर गया निफ्टी, नहीं गया, करेक्ट, नीचे एक्सपायर हुआ है। तो जो डेबिट है वो होगा 0 रुपीज, क्योंकि अपने बेटिंग में क्या हुए, राइट हुए, ठीक है। सो डेबिट होगा 0 रुपीज, मार्जिन हो जाएगा रिलीज, क्योंकि पोजीशन क्या हुआ, स्क्वायर अप हुआ, और नेट ऑफ में क्या हो जाएगा, 6,600 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा लेजर में एंट्रीज कैसे होती है, एज अ बायर एंड एज अ सेलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लेजर में क्या एंट्रीज हो रही है ये आपको जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लेजर में एंट्रीज नहीं समझता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया ये, ताकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो लेजर में एंट्रीज हो रहा है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो अब हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी हम लोग स्ट्रैटेजीज का सिनेरियो बनाएंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ये फॉर्मूला के बेस पे होने वाला है। तो ध्यान से देखना वीडियो। तो आप मेरी स्क्रीन पे ऑप्शन चेन देख सकते हो, निफ्टी का 11834 निफ्टी चल रहा है, ये ऑप्शन चेन है निफ्टी का, स्ट्राइक प्राइस कॉल्स एंड पुट्स, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं 11,800 का कॉल का प्राइस कितना चल रहा है, अभी प्रीमियम कितना चल रहा है, 138.95 जो हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। सो 138.95 जो हम लोग ने देखा उसको मैंने राउंड ऑफ नंबर लिख लिया 139। ये जो 11,800 है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि हम लोग ने 11,800 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, करेक्ट। 38.95 है, इसको मैंने राउंड ऑफ नंबर पकड़ा है 139, ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर सकते। जो ऑप्शन प्रीमियम है इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज, इंटरेस्ट वैल्यू प्लस टाइम। इंटरेस्ट वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एक मार्कर सेल किया, लेट्स से 25 रुपीज में। अब जब मैंने वो मार्कर आपको सेल किया 25 रुपीज में, दैट 25 रुपीज विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दो वैल्यूज होगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दो वैल्यूज का टोटल होगा 25, करेक्ट। सो वैसे ही ये जो ऑप्शन प्रीमियम आपको दिख रहा है 139, इट इज अ सम टोटल वैल्यू ऑफ टू वैल्यूज, इंटरेस्ट वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंटरेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं ये फॉर्मूला बेस पे। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लेना और आप अपने नोटबुक में भी लिख लेना। पहला वाला फॉर्मूला जो है वो कॉल के लिए है, सेकेंड वाला बीच वाला जो फॉर्मूला है वो पुट के लिए है, थर्ड वाला फॉर्मूला है दोनों के लिए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कॉल, सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर पुट, थर्ड फॉर्मूला इज फॉर बोथ। सो अब हम लोग कॉल का कैलकुलेशन कर रहे हैं या पुट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉल का कैलकुलेशन। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। करंट स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है, करंट स्टॉक प्राइस का मतलब है फ्यूचर्स का रेट निफ्टी का, 11834। 11834 माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है, 11,800, ठीक है, 11,834 करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 11,800। अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ तो आंसर आता है 34। सो ये कॉल का प्रीमियम अभी 139 चल रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, सिर्फ 34 प्लस। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टाइम वैल्यू का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, टाइम वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंटरेस्ट। तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चल रहा है, 139, करेक्ट, माइनस इंटरेस्ट वैल्यू कितना आया, 34, ठीक है। सो 139 माइनस 34 करो तो टाइम वैल्यू कितना हो जाता है, 105। सो 139 जो कॉल का प्रीमियम है उसमें से 34 उसका एक्चुअल वैल्यू है एंड 105 क्या है, टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू इतना क्यों है, क्योंकि हम लोग 9 अक्टूबर को वीडियो बना रहे हैं और एक्सपायरी है 29 अक्टूबर को। सो 20 दिन बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, इसलिए टाइम वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो मार्कर का एग्जांपल याद होगा, मैंने आपको बोला कि 25 रुपीज में मैंने जब सेल किया तो इट इज़ अ सम टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। तो वैसे ही ये कॉल का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, वैल्यू कितना है, 34 रुपीज, बाकी का पूरा क्या है, टाइम वैल्यू है, ठीक है। So let us assume Nifty expired exactly at 11834 on expiry day. Nifty expiry day के दिन 11834 पर ही expire हो गया, ठीक है। So क्या होगा, तो left hand side में पहले golden rules लिख रहा होगा,
पहले वो हम लोग पढ़ते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं। सो नंबर वन रूल है, व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट वैल्यू इफ एनीथिंग कम्स नेगेटिव वैल्यू देन अज्यूम इट्स एज जीरो। ठीक है, सो मतलब जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट वैल्यू, कुछ भी आपको नेगेटिव में वैल्यू आया माइनस में आया उसको हम लोग को एज्यूम क्या करना है, जीरो वैल्यू एज्यूम करना है। सेकेंड गोल्डन रूल क्या है, टाइम वैल्यू विल ऑलवेज बी जीरो ऑन एक्सपायरी। तो एक्सपायरी डे के दिन टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। एक्सपायरी डे के दिन टाइम वैल्यू हमेशा जीरो क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम ही नहीं बचा तो टाइम वैल्यू किस बात का, एक्सपायरी में टाइम ही नहीं बचा तो टाइम वैल्यू किस बात का, करेक्ट। तो इसीलिए एक्सपायरी डे के दिन टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बचेगा क्या, एक्चुअल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट वैल्यू। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस अज्यूम आज एक्सपायरी है 11:34 पे एक्सपायरी हुआ है, 34 जो है वो एक्चुअल वैल्यू एज इट इज रहेगा बट टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल वैल्यू ऑफ दिस कॉल विल बी 34 प्लस जीरो यानी 34। ठीक है, सो एक्सपायरी डे के दिन भी ये कॉल जीरो नहीं होगा, ये इसका वैल्यू 34 रुपीज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये इन द मनी एक्सपायर हुआ है। इन द मनी क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन ये इन द मनी एक्सपायर हुआ है, इसका एक्चुअल वैल्यू 34 रुपीज है, इसलिए एक्सपायरी डे के दिन ये जीरो नहीं हुआ है, इसका एक्चुअल वैल्यू 34 पे एक्सपायर होगा। अब ये जो 34 रुपीज है इसको सेटलमेंट रेट भी बोलते हैं। अब ये जो 34 रुपीज वैल्यू आया है एक्सपायरी डे के दिन ये कॉल का, इसको सेटलमेंट रेट भी बोलते हैं। सेटलमेंट रेट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने ये कॉल बाई किया है आज 11,800 का कॉल एट द रेट 139, और मैं इसको स्क्वायर ऑफ करना भूल गया एक्सपायरी डे के दिन 3:30 बजे, मैं इसको स्क्वायर ऑफ करना भूल गया और मैंने इसे लेटेड एक्सपायर कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ ही नहीं किया। तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो मेरा ट्रेड कौन स्क्वायर ऑफ करेगा मेरे बिहाफ पे, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो मेरा ट्रेड जो है मेरे बिहाफ पे कौन स्क्वायर ऑफ करेगा, एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक्सचेंज का काम है ट्रेड को सेटलमेंट करना, अगर आपको याद है, करेक्ट। तो एक्सचेंज क्या रेट पे सेटलमेंट करेगा, एक्सचेंज 34 रुपीज रेट पे सेटलमेंट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेटलमेंट रेट। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये कॉल बाई किया है 139 में, मैंने कॉल ये बाई किया था 34 रुपीज में, एक्सचेंज मेरा क्या करेगा, ट्रेड सेटल करेगा, स्क्वायर ऑफ करेगा, तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। और अगर मैंने ये कॉल सेल किया था 139 में, अगर मैंने ये कॉल सेल किया था 139 में और एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ कर रहा है 34 रुपीज में, मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मैंने सेल किया था 139 में, सो माय सेलिंग प्राइस इज 139 और एक्सचेंज मेरा सौदा स्क्वायर ऑफ कर रहा है, करेक्ट। स्क्वायर ऑफ कर रहा है मतलब सेल ट्रेड को क्या करेगा, वो बाई करेगा, स्क्वायर ऑफ करेगा। एक्सचेंज मेरा सौदा स्क्वायर ऑफ कर रहा है कितने में कर रहा है, 34 रुपीज में। 34 रुपीज में वो बाई कर रहा है, मैंने सेल किया था 139 में, ठीक है। सो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से एक्सचेंज जो है वो ऑप्शंस में सेटलमेंट करता है। अब हम लोग पुट का एग्जांपल भी लेते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 11,800 पुट। 11,800 का पुट का आप रेट देख सकते हो एनएससी वेबसाइट पे कितना चल रहा है, 11,800 पुट, पुट मतलब राइट हैंड साइड में 112 रुपए चल रहा है, ठीक है। 112.05 है, मैंने इसको 112 पकड़ा है राउंड ऑफ नंबर ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में ईजी हो। तो हम लोग वापस फॉर्मूला पे जाएंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो पुट के लिए फॉर्मूला क्या है, सेकंड वाला फॉर्मूला है, इंटरेस्ट रेट वैल्यू इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है, 11,800 माइनस करंट मार्केट प्राइस क्या है, 11,834, ठीक है। सो 11,800 माइनस 11,834 अगर मैं करूँ तो आंसर आता है -34। -34 अगर आंसर आ रहा है तो हमें क्या एज्यूम करना है, उस वैल्यू को जीरो एज्यूम करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गोल्डन रूल दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर वन, कुछ भी नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है उसको हमें क्या अज्यूम करना है, जीरो अज्यूम करना है। यानी इस पुट का प्रीमियम चल रहा है अभी 112 रुपये, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 0 रुपीज है। किसी भी चीज़ का एक्चुअल वैल्यू जीरो से नीचे नहीं हो सकता, राइट। तो इसका एक्चुअल वैल्यू अभी कितना है, 0 रुपीज है। अब हम लोग टाइम वैल्यू का फॉर्मूला देख रहे हैं, टाइम वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंटरेस्ट वैल्यू। ऑप्शन प्रीमियम कितना है, 112 रुपये, 112 माइनस इंटरेस्ट रेट वैल्यू कितना आया, जीरो आया, ठीक है। सो 112 माइनस जीरो करो तो टाइम वैल्यू कितना आया, 112 रुपये। आज ये पुट का प्रीमियम चल रहा है 112 रुपये, इसमें एक्चुअल वैल्यू इसका कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज है, पूरा का पूरा क्या है, टाइम वैल्यू है। लेट अस अज्यूम निफ्टी एग्जैक्टली एक्सपायर हुआ है एट द रेट 11834, निफ्टी एक्सपायर हुआ है 11834 पे, तो क्या होगा,
एक्चुअल वैल्यू में पुट का जीरो था, टाइम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि गोल्डन रूल नंबर टू आप पढ़ सकते हो, टाइम वैल्यू विल ऑलवेज बी जीरो ऑन एक्सपायरी डे। सो टाइम वैल्यू एक्सपायरी डे के दिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड फाइनल वैल्यू ऑफ दिस पुट विल बिकम जीरो। तो अगर एक्सपायरी होता है 11/8/34 पे, तो ये पुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। एक्सचेंज मेरा सौदा के क्या रेट पे स्क्वायर ऑफ करेगा, अगर मैंने ये पुट बाई किया है तो एक्सचेंज मेरा सौदा क्या रेट पे स्क्वायर ऑफ करेगा, जीरो रेट पे स्क्वायर ऑफ करेगा। तो मैंने 112 में अगर बाई किया तो मुझे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर मैंने ये पुट सेल किया था 112 रुपए में सेल किया था, तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे प्रॉफिट होगा, सेल किया था मैंने 112 में, सो सेलिंग प्राइस इज 112, और बाई किया मैंने जीरो में, सो क्या हुआ, 112 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फाइव आपको समझ में आ रहा होगा इंटरेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको नहीं समझ में आया या वीडियो दो तीन बार देखना, एटलीस्ट आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, जितना जो भी मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, वो प्योरली ये फॉर्मूला के बेस पे होगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज आना चाहिए, आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। और कॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है सी, पुट का शॉर्ट फॉर्म होता है पी। पी मतलब पुट होता है, सी मतलब कॉल होता है, ठीक है। सो जब आप टर्मिनल पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सी देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, सी का मतलब क्या है, कॉल है, पी का मतलब क्या है, पुट है। जैसे मैंने 11,838.95 पे क्लिक करूंगा, वैसे ये पेज खुलेगा और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल और पुट। वैसे आप जब ट्रेडिंग टर्मिनल पे ट्रेडिंग करोगे तो कॉल के बदले सी लिखा होगा, पुट के बदले पी लिखा होगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इंटरेस्टिंग वैल्यू टाइम वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।